गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए लास्ट टाइम हमने जो सम्स किए थे प्रूफ दैट, ठीक है, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। सम नंबर 10 प्रूफ दैट cot inverse square root of 1 plus sin x plus square root of 1 minus sin x upon square root of 1 plus sin x minus square root of 1 minus sin x equals to x by 2, where x belongs to 0 to pi by 4, ओपन इंटरवल। ओके, लेट्स सी LHS cot inverse square root of 1 plus sin x plus square root of 1 minus sin x upon square root of 1 plus sin x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि प्रूफ दैट में हम नॉर्मली किसमें हमें प्रूफ करना है हम उस अकॉर्डिंग सपोज करेंगे। ओके, बट यहां पे तो x बाय 2 है, वेरिएबल है, कोई फंक्शन हमें गिवन नहीं है। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है 11th में हमने पढ़ा था कोई नहीं 1 प्लस कॉस एक्स का पढ़ा था 1 माइनस कॉस एक्स का पढ़ा था 1 प्लस साइन एक्स का नहीं 1 प्लस साइन एक्स को हम कैसे पुट ऑन करेंगे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 की जगह हम लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा याद कीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा हो तो हम क्या करते थे हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 राइट। चलिए तो साइन एक्स को हम कैसे लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 ये किसका होल स्क्वायर हो रहा है ध्यान से देखिए कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 कंप्लीट। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को 1 की जगह अगेन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 डन। हमें वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की और स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स की, वो वैल्यू हम यहां पे पुट ऑन करेंगे। चलिए कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन अगेन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू पुट ऑन कीजिए कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय 2। चलिए साइन एक्स बाय 2 कैंसल कॉस एक्स बाय 2 कैंसल कॉट इनवर्स 2 cos x by 2 upon sin x by 2 plus sin x by 2 2 sin x by 2 2 2 cancel cos upon sin cot x by 2 done। अब देखिए हमें कंडीशन क्या दी है 0 less than x less than pi by 4 यहां पे एंगल क्या है x by 2 है तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे 0 less than
x by 2 less than pi by 8. Therefore, x by 2 belongs to 0 to pi by 8 is subset of open interval 0 to pi. So, answer will be x by 2 equals to Rx. Complete? ठीक है? चलिए अब देखिए. इलेवेंथ सम प्रूफ दैट टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स x. Condition is minus 1 upon root 2 less than equal to x less than equal to 1. ये question में अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो देखिए हमें हिंट दी हुई है put x equals to cos 2 theta. बट अगर हिंट नहीं दी होती तो हम इसे कैसे करेंगे? एग्जाम में हमें कोई हिंट नहीं देगा. मैंने जैसे कहा था कि प्रूफ दैट में देखेंगे कि ये हमें कौन से फंक्शन में प्रूफ करना है. यहाँ पे क्या दिया है हमें? cos inverse x. So, LHS equals to tan inverse square root of 1 plus x minus square root of 1 minus x upon square root of 1 plus x plus square root of 1 minus x. ठीक है? Suppose x equals to cos theta. टेस्ट बुक में हमें हिंट में दिया है cos 2 theta कीजिए, बट हम cos theta लेके भी कर सकते हैं. Where theta belongs to close interval 0 to pi. So theta equals to cos inverse x. चलिए value put on कर दीजिए. tan inverse under root of 1 plus cos theta minus under root of 1 minus cos theta upon under root of 1 plus cos theta plus under root of 1 minus cos theta. ओके, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या था फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. डन. टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? रूट टू कॉस थीटा बाई टू माइनस रूट टू साइन थीटा बाई टू अपॉन रूट टू कॉस थीटा बाई टू प्लस रूट टू साइन थीटा बाई टू. ओके, रूट टू हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से और रूट टू कॉमन ले लेंगे हम डिनोमिनेटर से, तो रूट टू विल बी कैंसल. सो टेन इनवर्स क्या रहेगा हमारे पास? cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2. ओके, अब जैसे मैंने कहा था कि जब भी हमें cos और sin एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिखे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? cos से. cos थीटा बाय 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस sin अपॉन cos tan theta by 2, 1 plus tan theta by 2. अब देखें यहाँ पे tan inverse x minus tan inverse y का क्या था फॉर्मूला? tan inverse x minus y upon 1 plus xy, right? ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ. So tan inverse 1 minus tan inverse tan theta by 2. ओके,
कंप्लीट। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आर एच एस। ओके अब देखिए नाउ 12, सम नंबर 12, प्रूफ दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। Let's see, LHS equals to 9 pi upon 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 upon 3। ये दो टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए 9 by 4, 9 by 4 कॉमन, so remaining term pi by 2 minus sin inverse 1 by 3, okay? देखिए अब हमने ये फॉर्मूला भी किया हुआ था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। ओके तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके इसी तरह से एक्स की जगह पे आप 1 बाय 3 ले लीजिए तो क्या मिलेगा, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बाय 3, 9 by 4 cos inverse 1 by 3। अब हमें प्रूफ किस में करना है, sin inverse में, so put the formula cos inverse into sin inverse, sin inverse square root of 1 minus 1 upon 3 whole square, because sin inverse x equals to cos inverse x equals to साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके हमने ये फॉर्मूला पुट ऑन किया, 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 9, टेक एन एलसीएम 9 बाय 4 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1, सो 8 बाय 9, 9 बाय 4 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 root 2 upon 3 equals to RHS। Okay? Now next sum, cos x equals to tan inverse 2 cos x। अब हम जानते हैं हमने फॉर्मूला किया हुआ था tan inverse x plus tan inverse y, जैसे मैंने कहा था कि 2 टाइम्स अगर दिया हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, tan inverse cos x plus tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cos x। Now tan inverse x plus tan inverse y, so formula is tan inverse x plus y, so cos x upon 1 minus xy, cos x cos square x equals to tan inverse 2 cos x, complete, tan inverse x will be cancelled, cos x 2 cos x upon 1 minus cos square x sin square x, 2 cos x means 1 upon sin x, right,
2 2 will be cancelled. Cos x equals to sin square x upon sin x. Therefore, 1 sin x will be cancelled. Sin x equals to cos x. So, tan x equals to 1. So, x equals to pi by 4. Okay? Now, next sum. Tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equals to 1 by 2 tan inverse x, where x greater than 0. Okay, चलिए देखिए, हमने प्रीवियस सभी हमने किया हुआ था tan inverse x minus tan inverse y का फॉर्मूला. सो tan inverse 1 minus tan inverse x equals to 1 by 2 tan inverse x. tan inverse 1 means pi by 4. इसे हम उस तरफ ले जाएंगे, 1 by 2 tan inverse x plus tan inverse x. Therefore, pi by 4 equals to, take an LCM, tan inverse x plus 2 tan inverse x upon 2. So 2 tan inverse x plus tan inverse x, 3 tan inverse x, cross multiplication, 2 pi by 4. Therefore 3 tan inverse x equals to pi by 2. Therefore tan inverse x equals to 3 denominator mein aa jayega pi by 6. So x equals to tan pi by 6. Tan 30 means kitna hoga, tan 30 1 upon root 3. So x equals to 1 upon root 3. Okay, now next sum 15 देखिए, 15 MCQ है, वो हमने फॉर्मूलाइज किया हुआ था साइन ऑफ टेन इनवर्स x. तो साइन ऑफ टेन इनवर्स x को हमें कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स x को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है. ओके,